और क्यों आए वो बताते हैं। असल में हमारी और अंकुर की एक बात हुई थी, एक करार हुआ था कि देखते हैं कि बास्केट चाट खा पाते हो कि नहीं खा पाते, क्योंकि साइज में काफी बड़ी होती है। देखते हैं। तो अभी ये पहली बार खाने जा रहे हैं, पहली बार। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ ऑर्डर देने, और अभी हम लोग मंदिर से दर्शन करके आए हैं, अब यहाँ पे कुछ पेट पूजा हो जाए, और हमारा जो वादा था अंकुर से आज वो वादा निभा रहे हैं। एक्चुअल में इसका एग्जाम था, तो एग्जाम वगैरह अभी देख करके, अब देखिए ये देखिए यहाँ पे इन्हीं सब में जो है बास्केट चाट की तैयारी होती है। हाँ ठीक 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 मैं करा ले रहा हूँ। तो बास्केट चाट लेने के लिए यहाँ पे टोकन करना पड़ेगा, ये वहाँ पर मिलेगा उस काउंटर पे, और उसके बाद में यहाँ पर टोकन देना होगा, इसके बाद बास्केट चाट ये बना करके देंगे। भाई ये ले लें आप, ठीक है टोकन पकड़े रहे, ठीक है ठीक है। बास्केट चाट है वो यहाँ पर आ चुकी है, और इसके लिए स्पून हम इधर से ले लेंगे। तो नहीं रही है तो उसको दो हाथों से उठाया जा रहा, लग रहा है कोई पदवी मिल रही है। ये देखिए पूरा प्लेट भर करके, और अभी हम और अंकुर कहीं बैठ करके इसको खाना स्टार्ट करते हैं। बैठने की जगह मिल गई। अंकुर तुम पहला एक बाइट लो, खा के बताओ कैसी है। नहीं नहीं पहले तुम खाओ, पहले तुम खाओ। बैठे हाँ बैठ के बढ़िया खा करके बताओ। हाँ मैं तो हुई ऐसे नहीं सर, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, स्टोरेज कम है फोन का। ये देखिए भाई ये इधर इन्होंने एक बाइट ले ली है, और मजा आया। अरे रॉयल कैफे वाली बास्केट चाट खा के मजा आ गया आखिर। चलो भाई यहाँ पे खाते हैं। तो यहाँ बैठने की जगह मिली है, खत्म नहीं कर पा रहा खाना शुरू किया है। देखिए बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो खाने में बड़ी अच्छी है। एक स्पेशलिटी बताए ना आपको, जो चटनी है ना यही तो मजेदार, ये हाजमा ठीक करने के लिए, ये पूरा खाने के बाद में खाई जाती है। पूरा खा लो उसके बाद ये वाली चटनी खाना, दही में मिक्स हो गई है। भैया बहुत देर से खा पी रहे हैं और अभी तक नहीं हो रही है। अंदर जा रहा है सर गले के, अब जा तो रहा दो लोग ना तो खत्म नहीं कर पाऊंगा। अकेले आदमी के बस की नहीं है, ये इतनी बड़ी है इन शेप यूनिटी में, डकार आई जा रही है, हम लोग खाए जा रहे हैं खाना पड़ रहा है, अब ये मजबूरी हो गई है। हाँ अकेले आदमी के बस की ख्याल नहीं है, सही है खत्म करिए। चलो भाई खाते हैं, बैठे जा रहे हैं तैयार से। अभी प्लेट में बचा है मटेरियल, और अंकुर भाई जो है वो पानी लेने गए हैं। असल में उनका कहना है कि अगर हम पानी पी लेंगे साथ में तो थोड़ा सा इसको अंदर खा पाएंगे। अभी भी मोटा मोटा 20-25% मटेरियल जो है वो बचा हुआ है। तो अभी खाने की स्थिति ये है कि मैं अपनी भी बताऊँ तो मुझे भी पानी चाहिए, पानी पीने के बाद ही इसको खा पाएंगे। सही बात, काफ़ी जो बड़ी है ये पानी मिला अभी बचा है खाना है हम नहीं खा पा पर हमारे सपोर्ट में भैया आ गए यहाँ पे, ये पानी पीने में पड़े थे तब तक भैया पूरी सपोर्ट रिलीज करना है, तब ये जाएंगे यहाँ से, तभी जाएंगे यहाँ से, ये कंडीशन है। तो 500 रुपए प्लांटी मैं कह रहा हूँ 500 में तो आजकल कुछ होता नहीं, 1000 लगा दो क्यों भैया खा क्यों नहीं रहे हो। चलिए जो हो हटा दे रहे, नहीं हटाइएगा नहीं, नहीं खाएंगे ये, खाएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, रुक रुक के छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। क्या पूरा बोतल पी जाओगे क्या भैया, बाकी है मालिक तो हो रही, क्या कर भैया बैठ बैठ के बैठ बैठ के पानी पी पी के हम लोग यहाँ जो है। और इधर देखो आंटी जी भी हम लोग को आए कह रही है, हाय आंटी जी, सब लोग यहाँ पर मौज ले रहे हैं और ये खा नहीं पा रहे। हुआ ये है कि अब हम लोगों ने फैसला किया है कि दैट्स इनफ, अब खा चुके हैं जितना खाना था, और हमारी प्लेट में मात्र इतना बचा है, और बस इतना इनफ। ठीक है ठीक है सर, चलिए वैसे मजा आया वैसे आज खाना तो वैसे आज खा करके वैसे आज मजा आया है ना, कुछ भी कहो मस्त रॉयल कैफे हम लोग खाए बैठ करके, और बास्केट चाट खाए जो कि मोस्ट फेमस है, और पहली बार खाए, पहली बार तो तुम खाए, मेरा दूसरी तीसरी बार, 25-30 बार जाता हूँ। हाँ ये मेन गंज में ही है, देखो मेन हजरतगंज चौराहा है, और चौराहा तो उधर ही है, इसके पास में ही है, साहू के पास में ही है, लेकिन कभी आना ही नहीं हुआ होगा। नहीं
नजर ही नहीं पड़ी हमारी। लेकिन सर आ गए आज आप और फंस भी गए आके। बस 500 रुपये पेनाल्टी दोगे? चले भाई, तो आज जो है यहाँ रॉयल कैफे में बहुत अच्छी तरीके से खाया पिया और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का छोटा सा एक बड़ा मतलब ब्लॉग था जो कि बहुत इंस्टेंट था। बस अब आज के लिए हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। और अब लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लखनऊ में हैं तो यहाँ रॉयल कैफ़े आ सकते हैं। रॉयल कैफ़े हजरतगंज में ही है, जैसे आप गूगल पर डालेंगे लोकेशन आपको मिल जाएगी।